देश सहित देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांत की सूचना मिलने से देश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। मुरादाबाद में भी यहां के निवासियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांत पर रात में अपने घरों से निकलकर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या मासूम बच्चे, सभी अपने हाथों में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं, तो श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गई। इन परिवारों ने मुख्यमंत्री के इस त्याग और बलिदान को एक संदेश बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के हित में इतना बड़ा त्याग किया है, हम सब उनके साथ हैं। आपको बता दें कि ये नजारा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां एक सोसाइटी में रहने वाले परिवार रात में मोमबत्ती जलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय अनिल बिष्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए घरों से बाहर निकल आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर श्रद्धांजलि दी। सभी का कहना था कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में महामारी के चलते उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने गए हैं। उनके इस त्याग और बलिदान को प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। हमारे प्रिय योगी जी, सीएम योगी जी के जो आज साथ उनके पिताजी का जो अध्यवसान हुआ है और वो जिस तरह से अपनी जनता के साथ खड़े हैं और उस वो उस अंत्येष्टि में भी नहीं गए हैं, इससे हम उन हमारी श्रद्धा उनके प्रति भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें लगा कि हम सिर्फ उनकी इस दुख की घड़ी में एक दो मिनट का साथ देके उनका साथ दे सकते। ये आज हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी के जो देहावसान हो गया है, उस अवसर पर हम मधुर ग्रीन विला से सब जितने भी सारे परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ। ये आदित्यनाथ जी के पिता के जो निधन हुआ है, हम उनके लिए मधुर ग्रीन विला मुरादा के द्वारा शोक प्रकट कर रहे हैं। दो मिनट की श्रद्धांजलि देते की घड़ी है कि हमारे सबके सम्मानित और प्यारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पिताश्री का देहांत हुआ और उन्होंने 22 करोड़ जनता के लिए अपना त्याग दिया कि वो अपने पिता के देवासन में भी नहीं गए कि मैं इस कोरोना की लड़ाई में पहले अपने प्रदेशवासियों के साथ हूँ, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मेरा परिवार है। इसी कड़ी में आज ग्रीन मधुर विला स्थित जो हम लोग हैं परम्परा में निवासी, उन लोगों को इस घड़ी में बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ के पिताजी को समर्पित की है। हम सब उनके इस दुख में भागीदार हैं और अपनी शोक श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.